जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैम, आ रही आवाज़? अच्छा जी, तो बच्चों ऐसा है कि पहले तो आई थिंक आप सबकी अच्छी गुजरी होगी। आज जो है वो हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है दैट इज़ अच्छा जी, लास्ट बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स जो थे वो लास्ट टू रिकॉर्डिंग जो थी हमारी जो क्लासेस थी रिवीजन उसमें थे या नहीं थे। बट मैंने आप लोगों को मेल भी की थी क्योंकि जो लास्ट हमारी दो रिवीजन क्लासेस थी, एक रिवीजन क्लास में हमने एक्सरेज और एमआरआई की जो पैथोलॉजीज थी वो डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो जो आपका फाइनल है उसमें सिनेरियो बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो आपकी जो हमारे कमिंग वीक में स्पॉटिंग है आपकी, ठीक है, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वो आप सब बच्चे जिन्होंने नहीं भी क्लास अटेंड की, जिन्होंने की भी है, उसको बार बार जो है वो अच्छे से सुने ताकि इस दफ़ा आपकी एटलीस्ट जो इमेज आइडेंटिफिकेशन है उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं आपको उसको कंसाइज फॉर्म में बता दूं कि आपने क्या क्या मेजर जो है वो पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो एक उसमें हमने एक्सरे और एमआरआई की पैथोलॉजीज पढ़ी थी, और एक और जो था नेक्स्ट हमारा रिविजन क्लास लेक्चर जो था लास्ट, उसमें हमने पढ़ा था ब्रेन सॉरी सीटी पेरिफेरल रीजन का। ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब के जो मैंने आपको एक्सियल सेक्शंस पढ़ाए थे, और उसमें भी मैंने आपको काफ़ी पॉइंट जो थे वो कुछ साइट्स मैंने उसमें आपको कट कर दी थी जो कि मुझे लग रहा था कि शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ जो मेजर पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, या जिस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है या किस तरह से आपने उसको याद रखना है, वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों उसको जो है वो आप लोगों ने जरूर सुन लेना है, क्योंकि स्पॉटिंग में भी उसमें से कोई इमेजेस आपको आके आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है स्पॉटिंग में भी आपका सीटी है, एमआरआई है और एक्सरे है, तो इसलिए आपने वो जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीटी जो का हमारा रिमेनिंग रह गया था मैम दैट इज बेसिकली जी, मैम वाइवा एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैम सोमिया की मेल आई सी आई थी कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने 28 सेंड किया, तो 28 पे ही होगा वाइवा। कौन से वाइवा 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं? मतलब मैम सोमिया की मेल आई थी कि ऑल द वाइवाज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 अगस्त टू 20 अगस्त, तो हमने सोचा शायद मैम सोमिया ने कहा है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं तो शायद उनकी बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा 28 को ही है, तो फिर हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई भी मेल नहीं आई। मैम नहीं, वो हमें आई थी ना, वो पैथो हमें पढ़ाती है ना, तो वो एज सच आप सबको नहीं मेल आई, लेकिन हमें मेल आई थी। हाँ जी, तो वो उन्होंने आपको अपने उसके लिए कहा होगा ना, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको वो पढ़ा रही है ना सब्जेक्ट, उन्होंने आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बताया होगा। ठीक है ओके मैम, बेटा, देखिए मैंने आप लोगों का सिलेबस कितना कम कर दिया, अब तो मेरा ख्याल है आपको कोई डिफिकल्टी, एंडोस्कोपी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 4 लेक्चर्स हैं सिर्फ ये वाले। ठीक है, और उसके अलावा ये जो इमेजेस हैं ये तो आप, मेरा ख्याल है कि जब तक एंड तक जाएंगे आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगेगा ही, बिकॉज आप उसको मुश्किल समझ रहे हैं, अदरवाइज ये मुश्किल है नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो एक दफ़ा सुन लें। उसमें बार बार, वैसे तो मैं आपको क्लास में भी समझाती नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी मैंने काफ़ी जो है वो आपको पॉइंट्स क्लियर किए कि किस तरह आपने उसको याद रखना। एनीवेज टाइम पे ही होगा बच्चों, शेड्यूल तो उसका चेंज नहीं होगा, उसमें आप टेंशन ना लें, प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स ही आपसे, जैसे पहले आपका ओरल टेस्ट हुआ है उसी तरह से सुना जाएगा, आपसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाएगा। अच्छा जी, अब जो है वो आज हम थोड़ा सा ब्रेन और जो एब्डोमेन और चेस्ट सीटी हमने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक अदद आपको इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा आसान होगा। किस तरह आसान होगा? कि हमें यहाँ पे रिब्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो अगेन बच्चों ये एक एक्सियल सेक्शन है। ठीक है, हमने जितने भी एब्डोमेन सीटी के सेक्शंस पढ़े थे वो सारे एक्सियल सेक्शन थे। ठीक है, तो एक्सियल सेक्शंस में ही हम पढ़ रहे हैं, हमने कोई और प्लेन में बॉडी को जो है वो सीटी में यहाँ पे नहीं डिवाइड किया। अगर मैं कोई सेजिटल सेक्शन यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दी तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती। ठीक है, जिस तरह से हमने अपर एंड लोअर लिम्ब के सीटी को एक्सियल सेक्शंस पढ़े थे, इसी तरह से एब्डोमेन के भी हमारे एक्सियल सेक्शंस हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे कट करना, और यहाँ से कट ऐसे करके ऐसे 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 ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर इसको कट करते जाएंगे। ओके,
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था जी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एज ऑलवेज जो हमें जो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि आपने देखना होता है कि रीजन कौन सा है बॉडी का, ठीक है ना। जैसे हमने अपर लिम्ब देखना था, ये लोअर लिम्ब देखना है, इसी तरह से बेटा आप सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रीजन कौन सा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये रिब्स नजर आ रही है और ये ऑर्गन नजर आ रहे हैं ना, ये पड़े हुए, ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रहा है, वर्टिब्रा नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, रिब्स है, ऑर्गन है, वर्टिब्रा है, तो ये कौन सा रीजन है, आपका एबडोमिन का रीजन है इसका मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया कि ये आपका एबडोमिन है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमने देखना है कि इसमें हमें क्या क्या जो है वो ऑर्गन या क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया, रिब्स हमें नजर आ रही थी, ओके फाइन, रिब्स नजर आ गई, ये हमें वर्टिब्रा नजर आ गया, ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक आपको ऑर्गन नजर आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है वो ये कट सेक्शन बेसिकली हमने लिया ही लंग से नीचे वाले लेवल पे है, जो आपका हेमीडायफ्राम का लेवल होता है उसके लेवल पे आपने लिया हुआ ये, ठीक है। हम लंग से नीचे वाला जो आपका हेमीडायफ्राम लेवल है उस लेवल पे ये आपने लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो एक ऑर्गन नजर आ रहा है वो क्या है, लिवर है। अब बच्चों एक और आपको बताना चाहिए, लिवर राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे जो क्वाड्रेंट्स है वो अगर आप एब्डोमिन के याद कर लें तो वेल एंड गुड, ताकि आपको पता चल जाए कि जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर किस साइड पे है। वैसे तो हमने सीटी एब्डोमेन में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स या बहुत ज्यादा ऑर्गन्स नहीं पढ़े, मैंने आपको लिवर पढ़ाया था, स्पीन पढ़ाया था, और आई थिंक किडनीज पढ़ाया था, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। इंटेस्टाइन पढ़ा था, वो वैसे ही आपको इंटेस्टाइन की शेप से जो है वो पता चल जाता है। एनी वेज लिवर होगा आपका जी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये हेपेटिक वेन्स, क्योंकि अगर लिवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बेटा लिवर के अंदर डेफिनेटली जो भी वेन्स होती हैं उसको हम हेपेटिक आर्टरीज या हेपेटिक वेन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उसको हेपेटिक वेन्स ना भी कहें, हेपेटिक वेसल्स भी कह दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले हमने लिवर आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये था हमारे पास राइट साइड से स्टमक, और स्टमक के नीचे हमारे पास क्या था, साइड पे पड़ा हुआ स्प्लीन पड़ा हुआ था, ठीक है। इस स्लाइड में हम तीन ऑर्गन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक हमारे पास क्या है लिवर, दूसरा स्टमक, और तीसरा क्या है स्प्लीन है, दैट्स इट, ठीक है। एसोफेगस आप रहने दें, वर्टिब्रा और रिब, दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें अगेन जो है वो ये हमारे पास लिवर ही था जो पहले आइडेंटिफिकेशन है। जब भी बच्चों आपको लिवर जो है वो साइड आइडेंटिफाई करें तो इस तरह ना करेंगे, नए स्लाइड में जाते हैं तो आप जाके सिर्फ वहां पे डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाई करना शुरू करें, ठीक है। जो लास्ट साइड वाले में आपको स्ट्रक्चर नजर आए थे, पहले जब दोबारा दूसरी साइड में आते हैं तो पहले वो देखें कि पहले वाली साइड वाले स्ट्रक्चर यहाँ हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि देखिए रिब नजर आ रही है, आ रही है, वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, लिवर नजर आ रहा है, आ रहा है, या आपको हिपेटिक वेन्स नजर आ रही है, हाँ जी आ रही है, ठीक है। और हमने वहाँ क्या आइडेंटिफाई किया था, स्टमक आइडेंटिफाई किया था, जी हमें स्टमक भी यहाँ नजर आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, स्पीन आइडेंटिफाई की थी, हाँ जी स्पीन भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह से पहले आपने क्या करना है, जब जब साइड मूव करते जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो याद करते जाए करें साफ कर। अच्छा, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक और मैंने आपको इसमें पढ़ाया था किडनी, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक साइड पे राइट किडनी नजर आ रही है, लेफ्ट किडनी नजर नहीं आ रही। ये वाला जो इमेज है इसमें हमें दोनों किडनी नजर आ रही है, राइट भी नजर आ रही है और लेफ्ट भी नजर आ रही है, ठीक है। अब डेफिनेटली बात है लिवर हमारा राइट साइड पे है, तो बेटा इसमें हाँ आप ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर ये लिवर है तो लिवर के नीचे मैं कहूँगी जी ये कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे जी किडनी, और मैं कहूँगी ये राइट है या लेफ्ट है, तो आप कहेंगे जी लेफ्ट किडनी है, तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड पे लिवर है, राइट किडनी, और लेफ्ट साइड पे स्टमक है तो लेफ्ट किडनी, इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगेन अब अगर हम दोबारा से देखना शुरू करें तो हमने शुरू में क्या देखा था, अगेन वही बात है, इसमें हमें रिब्स भी नजर आ रही है, हमें ये क्या नजर आ रहा है, लिवर भी नजर आ रहा है, और हमने स्टमक आइडेंटिफाई किया था, हमने स्पीन आइडेंटिफाई की थी, वर्टिब्रा आइडेंटिफाई किया था, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। अब नया क्या आ गया इसके अंदर हमारे पास, ये दो स्ट्रक्चर्स आ गए हैं वर्टिब्रा के बोथ साइड पे। अगर आपको पता है बच्चों तो आपका जो हमारा जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है या पोस्टीरियर रीजन है वहां पे आपको बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, आपके पड़े हुए होते हैं क्या, किडनीज होती हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का एक सेक्शन एग्नस सेक्शन है, और उसके दोनों साइड से आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो क्या है, किडनीज है, राइट एंड लेफ्ट किडनीज है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट जो बात है हमें यहाँ पे मिल रही वो क्या है, एब्डोमिनल एओटा नजर आ रही है, और ये एओटा का कौन सा पार्ट है, एब्डोमिनल एओटा का ये बेसिकली पार्ट है, ठीक है ना। तो ये एब्डोमिनल एओटा जो है वो हमें नजर आ रही है। तो एक और हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, क्या क्या हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, स्टमक हो गया, स्पीन हो गया, और साथ अगर हमें और कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो वो क्या हो गया हमारे पास, एक एब्डोमिनल एओटा हो गया। ओके, देन अगेन रिब्स, लिवर, स्टमक, स्पीन, किडनीज,
उसके बाद वर्टिब्रा, और हाँ जी एक और मैंने आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, वो क्या था बेटा, अब मैं जो पॉइंट्स मिस कर रही हूँ वो आप रहने लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीली कार्टरी मिस कर दी है, यहाँ पे मैंने एड्रेनल ग्लैंड मिस कर दी है, ठीक है। तो ये अब आप इसको भी जो है वो रहने दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए आई थिंक मुश्किल होगा, आप डॉक्टर तो सिंपल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा अब ये एक बच्चों जब हमने पढ़ा भी था, तो मैंने आपको पेंक्रियाज कहा था कि जरा थोड़े से इंपॉर्टेंट है पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज का मैंने आपको जो है वो पेंक्रियाज का ये खोल के भी दिखाया था कि पेंक्रियाज अगर आपने कभी देखी हूँ इन एक्चुअल, तो पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास किस तरह की होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। गूगल का इमेज नजर आ रहा है आप लोगों को बच्चों? क्लास जाग रहे जी, यस मैम। ये देखिए बेटा इस तरह की होती है पेंक्रियाज, ठीक है, इस तरह की होती है पेंक्रियाज। ये लीव नजर आ रहे हैं जैसे पत्ते की तरह की, ठीक है, इस तरह की। कौन कौन सी इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है, इन रियल भी इसी तरह की इसकी अपीयरेंस होती है पेंक्रियाज की। तो अब आप देखें कि यही इसी तरह की अपीयरेंस हमने कहाँ पढ़ी है, यहाँ पे साइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं एब्डोमेन में नजर आता है, ठीक है, या मैं आपसे वैसे ही पूछ लेती हूँ कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो क्या है, तो वो क्या है, पेंक्रियाज है, ठीक है। अब अगेन हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, लिवर, रिब्स, वर्टिब्रा, बोथ साइड पे राइट और लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, स्टमक, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास की एब्डोमिनल एओर्टा, यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गया वो क्या हो गई, पेंक्रियाज हो गया, ठीक है। अब ये स्पीरियम मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, पोटल वेन, ये सारे मैंने आपको जो है वो निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया भी था, एमसीक्यू में भी आया था बहुत सारे बच्चों ने, किसी कुछ बच्चों ने तो आपने से इस तरह भी किया हुआ था कि उसको डायरेक्टली जो है वो एमसीक्यू छोड़े हुए थे। तो बच्चों इस तरह ना किया करें, ठीक है, कि आप एमसीक्यू जो है वो छोड़ ही दें, उसको अटेम्प्ट जरूर किया करें, ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ टीरीज मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट लोब्स ऑफ द लिवर को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है, एक बड़ा प्रोमिनेंट सा लिगामेंट होता है और ये हमें सीटी स्कैन के ऊपर नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो एक लिगामेंट ऑफ टीरीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हमने ऑलरेडी पेंक्रियाज आइडेंटिफाई कर ली थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सर ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब अगेन वही बात है बच्चों की, अगर आपको पता है कि ये आपका लिवर है, तो लिवर के बिल्कुल साथ हमारे पास क्या पड़ा होता है, गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए ये गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये लिवर है, तो लिवर के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई इतनी वो डिफिकल्टी बात नहीं है, ठीक है। तो लिवर हो गया, लिवर के साथ अगर नीचे कोई हम जब गए हैं और हमें एक स्ट्रक्चर नजर आया तो वो क्या है, गॉल ब्लैडर है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको, क्योंकि हम किडनीज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि किडनीज क्या होती हैं या कहाँ नजर आती हैं, ठीक है, अगर किडनी के साथ कोई भी वेसल मैं आपसे पूछती हूँ तो आप उसको सिंपल रीनल वेसल भी कह देते हैं, आर्टरी या वेन ना भी कहें, सिंपल रीनल वेसल कह देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद बाकी जितना है वो आप इग्नोर कर दें। एओर्टा यहाँ पे है नजर आ रही है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो फाइन, लेकिन अगर ऊपर वाले उसमें आइडेंटिफाई कर लें तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा ईजी। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलोन थी, स्मॉल बाउल था। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग बच्चों आप कॉलोन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आपको आइडेंटिफाई करनी आ रही तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसवर्स कॉलोन, अच्छा ये सिंपल चले, इसमें हम इस तरह आपसे पूछा जा सकते हैं सिंपल के, ये जो है वो आपके कौन कौन से जो है ये आप कौन सा पार्ट ऑर्गन है, ये कौन सा, सिंपल इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन आप रहने, अगर आप सिंपल इसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा जो है वो पार्ट है, तो दैट इज ओके। अगेन बच्चों ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर जहां जहां आपको नजर आएगा, जैसे मैंने आपको पेंक्रियाज बताया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, इसी तरह से कोलोन, क्योंकि एज इन जो आपका नेचुरल है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी में भी हमारा जो है वो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है ना कोलोन का, तो इसलिए जहां जहां आपको इस तरह से ट्यूबलेस स्ट्रक्चर जो है अगर कोई सीटी के एक्सियल सेक्शन में नजर आ रहे हैं तो वो क्या है, कोलोन है। अब आप इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि वो असेंडिंग है डिसेंडिंग है या ट्रांसवर्स है, तो दैट इज ओके, अब सिंपल कोलोन जो है उसको आइडेंटिफाई कर दें तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एक हमने इस साइड में क्या देखिए, सिंपल कोलोन देख लिया, दैट्स इट।
अच्छा जी, उसके बाद कॉमन आइली कार्ट्री मसल्स। हाँ जी, अच्छा जी, मसल्स में बच्चों अब ऐसा है कि एक तो ये देखिए अम्बलाइकस, ठीक है, दैट इज वेरी इजी। अम्बलाइकस आइडेंटिफाई आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लीक, दो मसल्स, ठीक है, बड़े आसान से हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लीक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के आगे ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। अच्छा जी, ये ठीक है, तीन मसल्स और अम्बिलिकस इस स्लाइड में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और उसके अलावा ये आइलिक बोन, दैट्स इट। फाइन, एक अम्बिलिकस, एक एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, और साथ हमारे पास क्या है जी, ये इलियाकस, या सॉरी इलियक मसल है, इसके साथ इलियाकस मसल लगा हुआ है, लेकिन आप मसल रहने दें, इलियक बोन आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी पता है कि जो ब्राइट सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो आपकी बोन है। तो एक हमने वर्टिब्रा हमें मिला है बोनी स्ट्रक्चर्स में, सीपी एब्डोमिन में, ठीक है, और दूसरा हमें कौन सी बोन मिली है, इलियक बोन मिली है, और थर्ड हमारे पास कौन सा बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा था वो कौन सा था, रिब्स की। अब चूंकि हम बहुत नीचे जा चुके हैं इलियम के लेवल पे, तो हमारे पास रिब्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो, अच्छा इसमें से मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगेन ये देखिए ट्यूबलर स्ट्रक्चर में आपसे पूछती हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, कोलॉन, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई अगेन हमारे पास आइलेग बोन हो गई, फर्स्ट मेजर रेक्टस अब्डोमिनस। अच्छा, इसमें से बच्चों अगर आपने याद करना है तो हम एक रेक्टस अब्डोमिनस मसल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आप सिर्फ याद रखें इस साइड के अंदर से, दैट्स इट, ठीक है। ओके, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरीज, ब्लैडर था हमारे पास, और पिरिफॉर्मिस मसल है। अच्छा जी, इसमें से बच्चों आप स्टेज जो है वो ज्यादातर अगर मैं पूछ सकती हूँ तो वो मैं क्या पूछ सकती हूँ, ये ठीक है, ब्लैडर, ब्लैडर आइडेंटिफिकेशन इस स्लाइड में जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन ये आप आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली आपकी जो पेल्विस है, ठीक है, ये पेल्विक रीजन है आपका, और दरमियान में आपके पास जो है वो ब्लैडर है, सिंपल, ठीक है। तो इस इमेज में आपसे बच्चों ब्लैडर जो है उससे रिलेटेड स्पॉटिंग पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो बड़ा बच्चों आपको अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट में जो मैंने आपको एक्सियल सेक्शन पढ़ाया था लोअर लिम का, ठीक है, तो उसमें भी हमने सेम एक इस तरह का इमेज देखा था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका फीमर का हेड था, ये एसिटाबुलम था, और हम यूजली जो हिप का एक्सरे होता है, या पेल्विक रीजन होता है, वो एक बायलैटरल का जरूर इमेज हम लेते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट है अगेन किधर जो है वो पड़ा हुआ, ठीक है। तो बाकी सारा जो है वो बेशक आप ना आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन ब्लैडर हिप जॉइंट है, एसिटाबुलम है, और ये हमारे पास फीमर का हेड है, ठीक है जी। प्रोस्टेट है, रेक्टम है, वो आप बेशक ना करें, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा तो आप उसको निग्लेक्ट कर दें। ओके, अच्छा बच्चों, ये अब नॉर्मल सिटी था, ठीक है, नॉर्मल सिटी की जितने भी इमेजेस मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, हमने बड़ा आसान सा पढ़ा है, हमने रिब्स देखी है, ठीक है, आपने जो है उसके अलावा क्या देखा है, वर्टिब्रास देखे हैं, ठीक है, एक मैंने आपको आइलिक बोन बताई है जो कि आइलियम के लेवल पे जब आप जाएंगे तो नजर आएगी, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गन जो मेजर हमने देखे हैं इसमें जी, वो कौन कौन से हैं, एक है लिवर, ठीक है, लिवर, फिर लिवर में मैंने आपको बताया था कि जो आपको नजर आ रही है हिपैटिक वेन्स कह दें या सिंपल हिपैटिक वेसल्स कह दें, वेन आर्टरी में ना जाए, ठीक है, हिपैटिक वेसल्स। फिर एक लिगामेंट हमने पढ़ा है, लिगामेंट ऑफ टीरीज, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्योंकि लिवर राइट साइड पे है तो उसके नीचे अगर आपको स्ट्रक्चर नजर आता है लिवर के, तो वो क्या है, राइट किडनी है। लेफ्ट साइड पे हमने स्टमक पढ़ा है, स्टमक के नीचे हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई थी, और यहाँ पे जो हमारे पास किडनी अगर नजर आती है वर्टिब्रा के दूसरी साइड पे, तो हमारे पास क्या है, राइट किडनी है, ठीक है जी, सॉरी लेफ्ट किडनी है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट किडनी होगी, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया। उसके अलावा जी हमने और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा है, मैंने आपको बताया है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा वो क्या होगा, पेंक्रियाज। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे तो वो कोलॉन होगा, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द असेंडिंग असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलॉन, आप सिंपल कोलॉन जो है भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दैट इज ओके। एक हमने इसके अलावा इंपॉर्टेंट पढ़ा है, दैट इज एब्डोमिनल एओर्टा, और एक और पॉइंट स्ट्रक्चर पढ़ा है वो कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास ये था गॉल ब्लैडर जो है वो हमें नजर आ रहा था लिवर के साथ, ठीक है। तो ये बस इतने जो बच्चों मैंने आपको ऑर्गन्स बताए हैं, यही एक्सियल सेक्शन के ऊपर आपसे जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, एक और ये जो भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है ब्लैडर,
ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अब आप देख लें कौन कौन से ऑर्गन हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया है, गॉल ब्लैडर हो गया, कॉलन हो गया, पेंक्रियास हो गई, और ब्लैडर हो गई। अच्छा बच्चों ये बड़ा आसान सा था, ठीक है। लिवर चूंकि हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये लिवर है हमारे पास, कोई भी आपको उसमें डार्क जो है वो हाइपर डेंस एरिया नजर आ रहा होगा, डार्कर एरिया नजर आ रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, लिवर एब्सेस होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और इमेज दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि लिवर के अंदर जैसे अगर आपको इस तरह से स्पॉटिंग नजर आ रही है कि स्प्रेड हुआ हुआ कोई इन्फेक्शन जैसे होता है स्प्रेड हुआ हुआ, इस तरह से स्प्रेड हुए हुए आपको कोई डार्कर एरिया नजर आ रहे हैं, तो वो सिंपल क्या है, मेटास्टेसिस हो चुका है, ठीक है। तो अगर जो है वो लुक लाइफ आपको डार्कर एरिया एक नजर आ रहा है तो दैट इज एब्सेस, ठीक है। और अगर वो स्प्रेड हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट लोब्स ऑफ द लिवर में जा रहा है तो वो क्या है, लिवर मेटास्टेसिस है, ठीक है। अच्छा अब अगेन बच्चों इसमें लिवर मेटास्टेसिस के साथ साथ आप थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि जी ये क्या था, ये रिब्स थी, ठीक है जी, ये क्या था, ये वर्टिब्रा था, ये क्या था, ये स्टमक था, ये क्या था हमारे पास, नीचे के स्प्लीन पड़ा हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये एब्डोमिनल एओर्टा था। तो इस तरह से जब जब कोई एक स्लाइस देखते हैं आप, तो जो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं पॉइंट्स, उस साइड के अंदर दोबारा से उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई जरूर किया करें, ठीक है, इसी तरह ही आपको याद होगा। अच्छा जी, उसके अलावा ये तो बच्चों एब्डोमिन था, ठीक है जी। चेस्ट सीटी का हमने बड़ा एक सिंपल, ये मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जिसे मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारे पास जो था वो दोनों लंग्स थे जो कि फुली इस वक्त एयर के साथ फिल्ड हैं, कोई इसमें हमें इन्फेक्शन नहीं नजर आ रहा, और ये आपको इस तरह से डार्क कलर के नजर आएंगे। आई थिंक इसमें दो ही सिर्फ हमने पैथोलॉजी पढ़ी थी, एक पड़ा था निमोथोरिक्स जिसमें एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, आपके लंग के अंदर, और एक मैंने आपको दिखाया था इसका ये सर्जिकल सेक्शन, ठीक है। और सर्जिकल सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर हमने जो है वो स्टर्डम का कोई आपने देखना है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है, या वर्टिब्रा को या स्पाइन जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसको अगर हमने देखना है ऐसा कुछ फ्रैक्चर या कुछ, तो इसके लिए हम जो है वो सर्जिकल सेक्शन में सीटी करा सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट अभी यहाँ आपको मैंने पैथोलॉजी या और कोई पॉइंट नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जीफी स्टर्नम जॉइंट है या आपके स्टर्नम बोन है, बस आपसे इतना ही यहाँ आइडेंटिफाई के इसलिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपकी ये जो सर्जिकल सेक्शन में आप ऑर्गन्स हैं, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि ये कौन से ऑर्गन्स हैं या क्या है, बिकॉज आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है, आपसे एक्जियल सेक्शन में ही पूछा जाएगा। फिर प्लूरल इफ्यूजन जिसमें आपके जो जो है वो प्लूरल स्पेस में फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको दिखाया था जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको हाइपोडेंस जो है वो एरिया नजर आएगा, और कोई भी लोब इन्वॉल्व हो सकता है आपके लंग्स का, अपर है, मिडल है, या लोअर लोब इन्वॉल्व हो सकता है। और आई थिंक ये हमारी इसमें दो ही हमने सिर्फ पैथोलॉजीज पढ़ी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सीटी है, और चेस्ट सीटी जो है उसमें तो सिंपल हमने पढ़ी ही, दो कंडीशन है, आपका एक निमोथोरिक्स पड़ा और एक आपका जो है वो प्लूरल फ्यूजन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एब्डोमिन चेस्ट सीटी है उसमें हमने सिर्फ लिवर मेटास्टेसिस और लिवर एब्सेस के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा हमने और कोई पैथोलॉजी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो जब नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि मैं आपसे कोई और पैथोलॉजी नहीं पूछूंगी, ठीक है। तो इससे अगर आपसे पूछा जाए तो खुद से आपने कोई ब्लंडर नहीं करना कि इसको आप जो है वो कैंसर बना दें या कुछ और बना दें, ये थोड़ा सा एक क्लू होता है कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया है डेफिनेटली वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने तुक्का भी लगाना है तो उसी में से तुक्का लगाएं जो कि टीचर आपको पढ़ा चुके हैं पॉइंट। तो ये बच्चों अब इसमें से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। मैम हमारी जो एससीबी की मैम थी उन्होंने भी मेल की हुई है कि आपका ईद के बाद वाइवा और इस वीक एससीबी के वाइवा होने हैं, तो अगर हो सके तो आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं वैसे सब्जेक्ट्स के बाद, अभी हमारे सीजनल्स भी रहते हैं। बेटा आप मेरी बात सुने, आपके नेक्स्ट वीक से एसएपी के वाइवाज नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एसएपी पढ़ाती हूँ। इस वीक से, मंडे से। हाँ जी, इस वीक से नहीं स्टार्ट हो रहे आपके, आपको किसने कहा है इस वीक से स्टार्ट हो रहे हैं? मैम ने कहा था ईद के बाद वाइवाज होंगे और कुछ स्टूडेंट कुछ क्लास के ना, मतलब ईद के बाद कहा है, लेकिन आपके अभी स्टार्ट तो नहीं हो गए ना, आपको कोई डेट शीट आई है अभी तक? आज सैटरडे है, अगर आपका मंडे को वाइवा होता तो फिर आपको डेट शीट आ जाती ना, अभी तक आपको तो डेट शीट नहीं आई। मैम अगर वेनसडे को हुआ, हाँ जी मैम, अगर वेनसडे को हो गया वाइवा क्योंकि हमारी क्लास वेनसडे को होती है ना, वेनसडे सैटरडे। एससीपी की बात कर रहे हैं जी?
बेटा देखिए, अगर आपका जो हमारा कमिंग वीक है ना, यानी कि जो मंडे से हमारा मंडे वाला जो हमारा वीक है, अगर उसमें आपके ऐसे भी वाइवल हुए तो डेफिनेटली फिर मैं आपसे इसका हम उसको आगे जो है वो कर देंगे, ठीक है ना? बिकॉज सेम एसीपी वाले वीक में मैं आपका वाइवल नहीं लूंगी, ठीक है? जी लेकिन अगर आपका जो है वो जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसमें हुए एसीपी के वाइवल, तो फिर जो मैंने आपको शेड्यूल दिया होगा वो ही फॉलो होगा, ठीक है? बिकॉज जी से कोई, मैम, ठीक है? तो फिलहाल बच्चे मेरे तो माइंड जो है वो नॉलेज में यही है कि अभी आपके मंडे से नहीं है, बिकॉज अगर आपके मंडे से होते तो आज सैटरडे है, तो आपको शेयर हो जाता ना, शेड्यूल शेयर हो जाता, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि आपके कमिंग वीक से हैं। आई थिंक कि कमिंग वीक में नहीं होंगे, मे बी अगस्त का फर्स्ट वीक या उसका नेक्स्ट वीक या जो भी है उसमें शायद, ठीक है? लेकिन आप तो वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए वेट करें। अगर इन केस हो गया कि आपके एसीपी वाइवल जो है वो मंडे से ऑनवर्ड हुए, तो डेफिनेटली एक बात आप सब माइंड में रखें कि आपका एसीपी वाले वीक में आपका कोई भी कोर्स का वाइवल नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, वो फिर आपका क्लैश आ सकता है, ठीक है? अगर हुआ तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक में कर देंगे, या इसको हम मैं फिर रीशेड्यूल कर देंगे, बट फिलहाल के लिए जो शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है उसी को ही आप लोग फॉलो करें, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा जी बच्चों, मैम अब जो है सबका 28 को ही लिस्ट कब आप तक लिस्ट भेजेंगे करेंगी? आप? हाँ जी बेटा, मैं इंशाल्लाह ना, मैं चाह रही थी कि मैं आपको ईद पे कोई इस तरह की मेल ना करूँ पढ़ाई वाली, तो मैं आपको इंशाल्लाह आज यहाँ कल तक शेड्यूल बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है? आप लोग आई थिंक टोटल 94-95 की स्ट्रेंथ हो, तो 45 स्टूडेंट्स जो हैं उनका वेंसडे को होगा और 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका सैटरडे को होगा, ठीक है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेसिकली मैं आपका जो है वो डिवाइड करूंगी। अच्छा जी बच्चों, ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन सीटी से या जो अभी हमने पढ़ा है एब्डोमेन चेस्ट सीटी से है, किसी बच्चे को तो बता दें, वरना फिर हम ये थोड़ा सा ये जो ब्रेन का है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी बच्चों, जी मैम, अब जो है अगेन हमारे पास जो है वो एक्सियल सेक्शन भी हैं, ठीक है? बिकॉज आई थिंक एक्सियल सेक्शन आर क्वाइट इजियर टू आइडेंटिफाई रादर देन एनी अदर सेक्शन, ठीक है? रिसर्चल तो मेरा ख्याल है आपके लिए शायद काफी मुश्किल होगा। हमने रिसर्चल सेक्शन मैंने आपको आई थिंक एमआरए में पढ़ाया था सिर्फ, और एमआरए का हमने एक ही रिसर्चल सेक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था डिस्क बल्ज का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? वो हमने सर्जिकल सेक्शन पढ़ा था एमआरआई का, बिकॉज अभी मैंने आपको चेस्ट जो है एब्डोमिन सीटी में भी बच्चों ये बात बताई है कि जब हमने वर्टिब्रास को देखना होता है, जब हमने वर्टिब्रल कॉलम को देखना है, ठीक है, तो वो ज्यादा हमें जो अच्छा नजर आएगा वो किस सेक्शन में नजर आएगा? सर्जिकल सेक्शन में नजर आएगा, सर्जिकल व्यू में नजर आएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है वो उसमें हम सर्जिकल व्यू में देखते हैं उसको, ठीक है? और वो हमने एमआरआई में आई थिंक पढ़ा था सिर्फ डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क हर्निएशन, और उस सेंस उसके सिर्फ हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि हमें डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क हर्निएशन जो है वो सर्जिकल सेक्शन में वर्टिब्रा के दरम्यान में जो है वो बड़े अच्छे से नजर आने चाहिए, किसी और सेक्शन में वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आ जाती है बाकी भी सेक्शन में या सेक्शन में हमें नजर, बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए ये आप लोग माइंड में रखें। अच्छा बच्चों, अब ये जो था हमने पढ़ा, इसमें जो है वो एक सेकेंड, अच्छा जी बच्चों, इसमें जो है वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं क्या है, फ्रंटल लोब, ठीक है जी? सबसे पहले तो मैंने जो आपको कहा था, बिकॉज आपके पास बच्चों रेफरेंस इमेज नहीं होगा, ठीक है? तो एक तो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना, अच्छा एक तो हमने ये देखा हुआ था हाइपर डेंस, हाइपो डेंस और आइसो डेंस, ठीक है? कौन सा बच्चा मुझे बताएगा हाइपो, हाइपर और हाइपो, आइसो डेंस क्या था सीटी मैम, स्कैन में? हाइपर डेंस जो होगा ज्यादा डार्क होगा, और हाइपो डेंस मतलब थोड़ा लाइट डार्क होगा, और जो माइल्ड वाला है ना, मतलब वो लाइट कलर में हो। अच्छा एक पॉइंट थोड़ा सा देख लें, जो आइसोडेंस होता है ना बच्चों, आइसोडेंस का मतलब होता है कि सेम एज द डेंसिटी ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन का टिश्यू हमें जैसा माइल्ड सा ग्रे कलर का नजर आ रहा है, इसी तरह का ही आइसोडेंस नजर आएगा, ठीक है? तो ये तीन डेंसिटीज हमने पढ़ी थी। अच्छा अब जो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था, सॉरी, अच्छा जी एक तो हमने लोब देखा, फ्रंटल लोब आपका जो है वो क्या है,
पैराइटल लोब इसमें जो है वो ये आपका आ गया पैराइटल लोब ये है, ठीक है जी, और ये है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है बच्चों। तो एक तीन लोब तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें चूंकि अभी हमारे पास स्लाइस यहाँ तक नहीं गया हुआ, तो इसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा है, सेरिबेलम नजर आ रहा है एक तो ये, ठीक है, या तो आप सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने आपको याद करें बताया था कि सेरिबेलम में आपको इस तरह से ये, अगर आपको सेरिबेलम एक्चुअल में अगर आप देखें तो सेरिबेलम किस तरह से होता है, हमारे पास लाइन लाइन इसके ऊपर होती हैं, ठीक है। एक मैं आपको दिखाई देती हूँ फिर से इमेज, ये है हमारे पास सेरिबेलम, ये देखिए किस तरह से सेरिबेलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से पैरेलल लाइंस की तरह के स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो इसी तरह से ही आपको सीटी के ऊपर ये हल्का सा माइनर सा, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा माइनर सा आपके ऊपर ये देखिए इसके ऊपर लाइन लाइन सी आपको नजर आ रही है। तो ये सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हो गए दोनों। इसके अलावा हमारे पास ये फ्रंटल लोब हो गया। फिर बच्चों ये दोनों वो साइड पे आपको नजर आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ये हमारे पास क्या है जी, ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है जी, ऑर्बिटल्स है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको इसमें क्या बताया था, इम्पोर्टेंट डॉर्सम बेजिलर आर्टरी, सेकंड मैं जरा इसका डार्क कर लूँ। अच्छा जी, डॉर्सम सेले, अच्छा जी डॉर्सम सेले हो गया बच्चों, और टेम्पोरल लोब हो गया। अच्छा, और उसके बाद हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट, मेस्टॉइड एयर सेल, ठीक है जी, मेस्टॉइड एयर सेल जो है वो हमने पढ़े थे इसमें, मेस्टॉइड एयर सेल, ठीक है। तो क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, और उसके बाद सेरिबेलर हेमिस्फीयर, मेस्टॉइड एयर सेल, एयर जो है या फ्लूइड जो है वो हमें डार्क कलर का नजर आ रहा था सीटी के ऊपर, ठीक है, ब्लैक कलर का नजर आ रहा था। तो मेस्टॉइड एयर सेल्स हो गए। अब मेस्टॉइड एयर सेल्स मैंने आपको बताया था कहाँ होते हैं, आपके जो एयर किनाल है उसके पास है, ठीक है। तो साथ ही कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है। अच्छा, बेजिलर आर्टरी एक हमने आइडेंटिफाई किया था, अगर आप इसको निग्लेक्ट करना चाहें तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस इमेज में हमने टेम्पोरल फ्रंटल, टेम्पोरल लोब, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ऑर्बिटल्स और मेस्टॉइड एयर सेल, दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब जो है वो हमारे पास आ गया है, इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, अगेन इसमें बच्चों फ्रंटल लोब, ठीक है जी, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, अगेन वही बात है, देखिए मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ कि पहले जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जब मैं नेक्स्ट इमेज में जाती हूँ तो मैं पहले वो चीजें ढूंढती हूँ जो कि मैं पहले आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है। नई चीजों की तरफ हम बाद में जाएंगे, तो पहले हम वही देखते हैं। फ्रंटल लोब हमें मिला था, सेरिबेलर हेमिस्फीयर मिले थे हमें, ठीक है, फिर हमें टेम्पोरल लोब मिला था, ठीक है, वही सारे स्ट्रक्चर्स पहले पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑर्बिटल्स अब इसमें हमें नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चों नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द वेंट्रिकल, ठीक है जी, आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल आपको नजर आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पे, और सुप्रासेलुलर सिस्टर्न वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन चले हम उसको जो है वो निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है मिड ब्रेन, वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब अगेन बच्चों अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मिड ब्रेन हमारे पास ये देखें, पॉन्स मेडुला किस तरह से छोटा सा, अगर आपने रेल में कभी मिड ब्रेन के पार्ट देखे हुए हो तो बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा जो करके जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगेन अगर हम इसको इसके ऊपर देखें तो आइडेंटिफाई करें तो हमें बड़े आसानी से नजर आ जाएगा कि ये पॉन्स मेडुला का ही कोई कट सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल लोब, सॉरी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है, जो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके थे पिछली साइड में भी। उसके अलावा जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताए हैं वो दो आपने पॉइंट याद रखने, क्या है जी, एक तो वेंट्रिकल जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ है, फ्लूइड डार्क नजर आएगा सीएसएफ के आपको सीटी के ऊपर, ठीक है, ब्लैक कलर का नजर आएगा, तो एक तो वेंट्रिकल होगी, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो हमने याद किया है वो क्या है, मिड ब्रेन, दैट्स इट, ठीक है, ये दोनों साइड के ऊपर ये पॉइंट हमने रिमेम्बर कर लिया। अच्छा जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया हुआ था। ओके, अब इस साइड पे अगेन हम देख लेते हैं। अच्छा
जी, इसमें जो है वो एक तो हो गया हमारे पास फॉग सेरिब्रा, सेरिबेलर सेरिब्रम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंटल लोब, थोड़ा सा हम पेराइटल से चले गए हैं, सॉरी टेम्पोरल से चले गए हैं ऊपर। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट और बताती हूँ जी, सेरिबेलम, अगेन ये लाइन लाइंस आपको नजर आ रही है, सेरिबेलम हमें इसमें नजर आ रहा है। ये ब्लैक कलर का एरिया, ठीक है जी, अगेन हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये क्या है, वेंट्रिकल है आपके पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास जी क्या नजर आ रहा है इम्पोर्टेंट, हाँ जी, एक जो इम्पोर्टेंट वो क्या है हमारे पास, लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। सो आपने एक तो वेंट्रिकल्स जो है ना बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, वेंट्रिकल्स की आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। अभी हमने ऊपर किया था थर्ड वेंट्रिकल, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जिस स्लाइस में हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रही है, वहां हमारे पास मिड ब्रेन भी बड़ा अच्छे से उसका एक जो है वो कट सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और जहाँ हमारे पास इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल नजर आ रहा है, वहां हमारे पास जो है वो क्या नजर आ रही है, साथ साथ हमारे पास क्या नजर आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल हो गया थर्ड वेंट्रिकल विद इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और सेरिबेलम, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये जो क्वाड्रिजेमिनल प्लेट सिस्टर्न था, ये आप जो है वो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस स्लाइड में जो है वो इम्पोर्टेंट अगेन क्या है, अच्छा जी बच्चों, इसमें हमारे पास जो है वो अच्छा जी, इसमें एक तो सबसे पहले हमने जो है वो क्या आइडेंटिफाई किया था हमारे पास, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। देखिए वही बात है कि जो पहले आप आइडेंटिफाई ऊपर कर चुके हैं हम, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद बच्चों मैंने आपको इसमें बताया था इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल ये मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है। अगेन वेंट्रिकल्स जो है वो आपको डार्क नजर आ रही है, बाकी सारे जो हम देख रहे हैं इंटरनल कैप्सूल देख रहे हैं या कोई और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो हमें आइसोडेंस नजर आ रहे हैं, यानी कि सेम एज डेंसिटी ऑफ द ब्रेन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके अलावा ये क्वाड्रिजेमिनल प्लेट टर्न ग्लोबस पैलिडम एंड प्यूटामन जो है वो भी आप बेशक रहने दें, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा हमने पढ़ा था सेरिबेलर वर्मस, ऑक्सिपिटल लोब एंड द थर्ड वेंट्रिकल। ओके, तो इसमें से बच्चों आप जो है वो क्या याद करें, एक तो सबसे पहले इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। उसके अलावा आपको अगेन ये वेंट्रिकल है हमारे पास, ठीक है जी, थर्ड वेंट्रिकल, इसकी आइडेंटिफिकेशन, और फ्रंटल लोब, ठीक है, पैराइटल टेम्पोरल लोब, और उसके अलावा यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो ऑक्सीपिटल लोब भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, ये इस इमेज के अंदर आप याद रखें। क्वाड्रिजेमिनल लोबस पैलेटम और क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल दिए। अच्छा जी, उसके अलावा जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, अच्छा जी बच्चों, ये जो है वैसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनीवेज इसमें भी मैंने आपको कहा था जी, सबसे पहले तो आप याद रखिए इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऊपर। फिर उसके अलावा एक और मैंने आपको बताया थी, दो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से लंग्स होते हैं या ग्रेप्स होते हैं, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये देखें इस तरह से दो, ठीक है, ये देखें इस तरह से लंग्स होते हैं ना, दो हमारे पड़े हुए राइट एंड लेफ्ट साइड पे, इस तरह से ये जो दो लंग्स की तरह के स्ट्रक्चर आप वहीं नजर आते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, थैलेमस होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि थैलेमस के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक ग्लैंड पड़ा हुआ है, वो क्या है, पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया था, दैट वाज स्ट्रेट साइनस, ठीक है, स्ट्रेट साइनस एंड कोरोइड लेग्स, अगेन जो है वो इसमें CSF है, इसलिए आपको डार्क नजर आ रहा है। आप कोरोइड लेग्स भी अगेन इसमें से निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, आपने इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल याद रखना है बच्चों, ठीक है जी, थैलेमस याद रखना है, पाइनियल ग्लैंड याद रखना है, एंड स्ट्रेट साइनस याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप मिस कर। ओके जी, अब इसमें तो ये बड़ा आसान सा है, अच्छा जी, इसमें बच्चों अगेन आपके पास फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, और सॉरी टेम्पोरल नहीं थी, ऑक्सीपिटल लोब थी, ठीक है जी, और पैराइटल लोब थी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट आप देख लें कि जब मैं आपको इंटीरियर लिम या इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटर वेंट्रिकल कह रही थी, तो वो बिल्कुल आपके पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था ना, उसका बिल्कुल एक लिम नजर आ रहा था, एक हॉर्न नजर आ रहा था, ठीक है,
अब ये जो है वो हमारे पास पूरी की पूरी क्या आ गई है, बॉडी आ गई है इसकी, ठीक है। तो पहले हमारे पास सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था इसका, यानी कि इंटीरियर हॉर्न नजर आ रहा था, पोस्टीरियर हॉर्न नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ इंटीरियर हॉर्न हमें नजर आ रहा था। अब हमें इंटीरियर, पोस्टीरियर हॉर्न और पूरी बॉडी ऑफ द वेंट्रिकल नजर आ रही है, ठीक है। तो जब आपको पूरा ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये बॉडी है वेंट्रिकल, ठीक है। तो एक तो आपने लेफ्ट वेंट्रिकल की ये बॉडी जो है वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है इस तरह इमेज दिखा के कि ये व्हाट इज दिस एरिया, तो आप कहेंगे जी ये बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है। उसके अलावा बच्चों अभी ये पर हम स्ट्रेट साइनस जो है वो जैसे पढ़ चुके थे, इसी तरह से सेजिटल साइनस भी एक होता है, ये भी आप याद रखने, ठीक है। बाकी लोब जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम आप जो है वो रहने दें, और फॉक्स सेरेब्राई फ्रंटल लोब्स, लोब्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लोब्स थैलेमाई हो गए, इंटरनल कैप्सूल हो गया, वेंट्रिकल्स हो गए, पाइनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये कॉमन जो है वो पॉइंट है, ओके। देन इसमें जो है वो तो सिंपल मैंने आपको सल्काए गए रहे बच्चों, फॉक्स सेरेब्राए, ठीक है जी, सल्काए गए रहे, और एक सुपीरियर सेजिटल साइनस जो है वो ये मैंने आपको बताया। तो ये तो एक क्वाइट सबसे ऊपर वाला हमारा कट जो है वो सेक्शन है, ठीक है, आपके ब्रेन का, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल ये चार पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसमें आप जो है वो कोई जो है वो पॉइंट नहीं मिस करें। अच्छा जी, ये मैंने आपको बच्चों बताया था कि सिंपल आपको सिर्फ बताने के लिए था कि आपको वैसे तो इसमें भी अब डेवर कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे हमारे जो है वो ये पाइनल ग्लैंड नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है मेस्टॉइड ईयर सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास ऑडिटरी कैनाल नजर आ रही है। बट मैं आपसे इस तरह के इमेज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछूंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम मैंने आपको इसलिए दिखाया था बिकॉज आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस तरह के स्कैन आपको जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगेन ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछती हूँ इसमें, तो मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि व्हाट इज दिस, ये वाला शायद जरा आप में से कौन सा बच्चा बताएगा, आयजा इब्राहिम अनम्यूट करें बच्चे जल्दी से, शाबाश, मुझे बताएं व्हाट इज दिस दिस स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें सीटी पे, अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। मैम ये पता नहीं वेंट्रिकल है मैम, लेटरल वेंट्रिकल, विच पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, विच पार्ट बच्चे, थर्ड वेंट्रिकल है। मोहम्मद यासीन अनम्यूट करें बेटा जल्दी से, मुझे बताएं शाबाश, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसको आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज दिस। बच्चों सो रहे हैं, मैंने सारे बच्चों के मार्क्स काट लेने इसी बेस के ऊपर, एक एक बताएं, मोहम्मद यासीन एब्सेंट है आप, अच्छा जी कोई वॉलंटरीली हैंड रेस करके बता दें, अच्छा जी अनुषा ने हैंड रेस किया जी, बच्चे अनुषा बताएं, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अभी एक और जो स्टूडेंट थी जिनसे मैंने पूछा था, उन्होंने भी सही बताया था लेटरल वेंट्रिकल, बट एग्जैक्ट जो पॉइंट इसका आंसर था दैट इज बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अभी बच्चों मैंने आपको पर बताया है कि हमें सिंपल जो है वो जब आपको ये वाले पॉइंट, इसमें हमें क्या नजर आ रहा था, हमें इंटीरियर सिर्फ हॉर्न नजर आ रहे थे वेंट्रिकल का, लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न, इंटीरियर हॉर्न था लेटरल वेंट्रिकल का, यहाँ पे भी इंटीरियर हॉर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे जब आपके पास एक ब्रॉड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो बेसिकली पूरी उसकी बॉडी भी नजर आ रही है और साथ उसके हमें हॉर्न भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमें कौन सा बच्चा बताएगा, मुझे बताएं जी व्हाट, ये कौन से पॉइंट्स है बच्चों, ये वाले दो कौन से रीजन है, ये दो क्या है मैम, थैलेमस, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया थैलेमाई के नीचे अगर कोई पॉइंट मैं पूछ रही हूँ, ये कोई और ये क्या पड़ा हुआ है थैलेमाई के नीचे, मैम फोर्थ वेंट्रिकल, नहीं बेटा ये आपको डार्क एरिया नजर आ रहा है, ये तो डार्क तो नहीं है ना, ये तो हमारे पास आइसोटेंस एरिया है, मैम ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, फोर्थ वेंट्रिकल तो ये है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, जिन्होंने पाइनियल ग्लैंड बताया, वेरी गुड, ये पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि चले लोब्स तो आपको आ गई होंगी, ऑर्बिटल यहाँ नजर नहीं आ रहे, ठीक है,
सल्काई गाय रहा है। एक और हमने पढ़ा है यहाँ पे अभी, ये देखें सुपीरियर सेस्टल साइनस, इस तरह से आपसे पूछा जा सकते हैं। देखिए सुपीरियर हमारे पास एक सेस्टल साइनस है, स्ट्रेट साइनस, ये क्या है बच्चों, कौन सा बच्चा बताएगा? अभी मैंने खुद भी बता दिया, हाँ जी स्ट्रेट साइनस है। अच्छा जी, और मुझे आप बताएं जी, ये वाला ये क्या, ये कौन सा, ये वाला क्या पार्ट है, ये कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, ये वाला कौन सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, ये वाला दिस रिज, कोई वॉलंटरी हैंड रेज करके बताएं मुझे शाबाश जल्दी से। ये कौन सा रीजन है बच्चों, पार्ट कौन सा है ब्रेन का, ठीक है? ये सेरिबेलम में मैंने आपको बताया था कि लाइंस आपको जहाँ पे नजर आ रही होंगी वहां पे आपको वो सेरिबेलम नजर आ रहा है। एनीवेज ठीक है बच्चों, देखिए इसी तरह से ही आप, मैं पूछूंगी जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है इसी पे ही अब आप फोकस करें। उसके अलावा जो है वो हमने पढ़ी थी बोन्स, बोन्स में जो है वो ये तो बड़ी आसान थी, फ्राइटर बोल, सेस्टल सुचर, ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सिपिटल बोन, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, जैसे जैसे आपके जहाँ जहाँ पे बोन्स की लोकेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ये सेरिस्टल सेक्शन में आपको बोन विंडो के ऊपर हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने जितनी भी सेरिस्टल सेक्शन पढ़े हैं ब्रेन के वो सारे हमने ब्रेन विंडो में पढ़े थे, क्योंकि हमने उसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर देखने थे, ठीक है। और अगर इन केस मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रेन का है कोई पेशेंट का ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, हमें लगता है कि कोई स्कल का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, स्कल में जो आपके बोन्स है डेफिनेटली उनका फ्रैक्चर होगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बोन विंडो के अंदर जो डिफरेंट हमारी बोन्स हैं ब्रेन की उनको देख रहे होते हैं। और ये आपके पास फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल बोन्स हैं, ये हमारे पास मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स हैं, अगेन बच्चों एयर सेल्स जहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक नजर आएगा बिकॉज एयर भी आपको ब्लैक कलर की नजर आती है, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट ईजी, ये सुचर्स बेसिकली आपके वाले रहने नहीं है, मोजर सुचर जो है या लिम्बॉइड सुचर जो है, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इस टाइटल में मैंने आपको बताया ही सिर्फ ये था कि जो बोन्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स इंपॉर्टेंट है, दैट ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये वाले बच्चों सुचर्स हमने पढ़े थे, और हाँ जी इसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडेंटॉइड प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट था, मैंडिबल, जाइगोमेटिक आर्च, मैक्सिलरी सुचर्स, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन। अच्छा एक तो आप इसमें से बच्चों याद रख लें, दैट इज ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास, ठीक है जी। जाइगोमेटिक बोन एक तो उसमें याद रख लें, बिकॉज जाइगोमेटिक बोन भी जो है वो पेशेंट की अक्सर इसका फ्रैक्चर हो जाता है या इसका जो है वो ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, एक ये आप याद रखें। फिर ये जो ऑडेंटॉइड प्रोसेस है ये पता होना चाहिए आपको, और इसमें और आप क्या याद रख सकते हैं, मैंडिबल, दैट ठीक है, ये आपको अगेन एक्सियल सेक्शन के अंदर बेसिकली बोन्स नजर आ रही है। तो कुछ जो ब्रेन की बोन्स है वो याद रखनी, इसमें ऑडेंटॉइड प्रोसेस, जाइगोमेटिक बोन एंड मैंडिबल, ये तीन आपने जो है वो याद रखने, ठीक है, बाकी जो सारे सुचर्स वगैरह हैं वो बेसिकली आप जो है वो उसको इग्नोर कर दें। अच्छा बच्चों उसके अलावा फिर हमने ये पढ़ा था हीमाटोमा और हेमरेजेस। हीमाटोमा मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो हाइपोडेंस नजर आएगा, ठीक है, एक्सट्राड्यूरल, सबड्यूरल, और थर्ड पढ़ा था दैट वाज स्कल का फ्रैक्चर, दो आपको मैंने हिमाटोमास पढ़ाए थे और एक स्कल फ्रैक्चर पढ़ाया था, ये देखिए स्कल बोन का जो है वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी बोन है, तो ये कौन सी बोन है बच्चों, कौन बताएगा? फ्रंटल बोन। शाबाश, ठीक है ये फ्रंटल बोन है हमारे पास। अच्छा जी, और दैट वॉज क्वाइट ईजी बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंफेक्टेड एरिया आपको हाइपरटेंस नजर आएगा, इंटीरियर, मिडल, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दैट्स इट। अच्छा जी ठीक है बच्चों, तो ये क्वाइट इजी था, इंटीरियर, मिडल और इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मैंने आपको बताया था कि ये तो आप
सिंपल जो है वो रीजन आइडेंटिफाई करके जो है वो आपको पता चल जाएगा, इंटीरियर रीजन में है, मिडल में है और आपका जो है वो पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। तो ये अगेन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पॉटिंग के। अच्छा, हाइड्रोसेफलस बच्चों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इमेज तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, ठीक है, लेकिन इस तरह का इमेज दिखा के आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था वेंट्रिकल्स थी और हमने देखा था वेंट्रिकल था CSF जहां था वो हमें डार्क नजर आ रहा था, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का एक्सियल सेक्शन ब्रेन का नजर आता है जहां इतना ज्यादा डार्क एरिया जो है वो है, इसका मतलब है यहां पे CSF जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली जहां CSF एक्यूमुलेट हुआ होगा उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफलस कहेंगे। बहुत सी और पैथोलॉजीज होती हैं, हम उसमें नहीं जाते, आप सिंपल हाइड्रोसेफलस इसको आइडेंटिफाई कर देंगे तो दैट इज ओके, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा जी बच्चों, उसके अलावा हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ हेमरेजेस, ये मैंने आपको डिफरेंट बताए थे, और इसमें ये जो स्लाइस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो है वो मैं आपको इस तरह का डिफरेंट इमेजेस, फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं आपको इस तरह के इमेजेस, चार इमेजेस जो है वो मैं आपको साथ साथ स्पॉटिंग का भी बता रही हूँ बच्चों, और साथ साथ आपको जो फाइनल है उससे भी रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चार इमेजेस आ सकते हैं और मैं आपको कह सकती हूँ कि जी आप इनको नेम करें, ठीक है, यानी कि लेबल करें कि ये कौन कौन से हेमरेजेस हैं। सब एरेक्नॉइड है, सब ड्यूरल है, एपिड्यूरल है, इंट्रावेंट्रिकुलर है, इंट्रापेरेंकाइमल है, ठीक है। तो वो आप लोकेशन वाइज जो है वो फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये, या सिंपल मैंने आप पहले भी बताया था कि हम इसको सैरियो पेस्ट में भी मैं आपसे बना के पूछ सकती हूँ, ठीक है, कि कोई पेशेंट हमारे पास आया है उसका हेडेक है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, एक्यूट सडन है जो है वो ऑनसेट आ गया उसकी हेडेक का, ठीक है, और हमारे पास इस तरह का मैं आपको एक इमेज दिखा दूं, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि जी हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऊपर कि ये हमारे पास क्या था, वेंट्रिकल था, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर वेंट्रिकल अभी हमने आइडेंटिफाई किया ना बच्चों। तो अब बॉडी ऑफ द लेटर वेंट्रिकल के अंदर जहां हमें अगर कोई हेमरेज नजर आ रहा है तो वो क्या है, इनसाइड द वेंट्रिकल है, तो वो क्या होगा, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक हो गया। फिर मैंने बच्चों आपसे कहा था कि इसका हम, मैं आपसे सोर्स पूछ सकती हूँ कि क्या किस वजह से ये हेमरेज हो सकता है, इसकी शेप पूछ सकती हूँ, इसका मैकेनिज्म जो है वो आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है, इसकी लोकेशन भी पूछ सकती हूँ। तो ये साइट तो बच्चों आप सब बच्चों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इन सब से रिलेटेड मैं आपको प्रेजेंटेशन पेशेंट की दे के कुछ भी पूछ सकती हूँ, आपसे इसकी शेप पूछ सकती हूँ, मैकेनिज्म पूछ सकती हूँ। दो बातें आप याद रखें, जो हेमरेज था वो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको हाइपोडेंस नजर आएगा, ठीक है, यानी कि ब्राइट नजर आएगा, और जो अभी हमने हीमाटोमा पढ़ा है ऊपर एपिडर्मल हेमाटोमा था, या हमने इन्फेक्शन पढ़ा था वो हमारे पास किस तरह का नजर आ रहा था, हमें जो है वो डार्क कलर का नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखें, और उसके अलावा ये जो पूरी स्लाइड है इसमें आपने शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। सबड्यूरल हमारे पास क्रिसेंट शेप्ड है, अगर आपको इसके ऊपर जो है वो लेयर्स के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा तो, ठीक है, तो शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, लोकेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ब्रेन के अंदर है तो इंट्रापेरेंकाइमल है, वेंट्रिकल के अंदर इंट्रावेंट्रिकल है, जो है वो अर्कनाइड और पायामेटर के दरमियान में सर्व एरेक्नाइड है। फिर अगर जो है वे ये क्रीसेंट शेप्ड है तो ये सब ड्यूरल है, और अगर मैंने आपको बताया था कि लेंटीफॉर्म या लेंस की शक्ल में है, ये लेंस की तरह का है, तो ये क्या है, एपिड्यूरल। तो ये बच्चों सब बच्चे इसको फिंगर टिप्स पे कर लें, इसको किसी तरह भी याद करें, लेकिन ये आपने याद कर लेने, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको साइड बताई थी, मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो हमें बेसिकली जैसे हमने पढ़ा है कि हमें हाइपर हाइपोडेंस या आइसोडेंस स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं ब्रेन के सीटी के ऊपर। तो कुछ जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि उन्होंने हेमरेज जो है उसको सीटी के ऊपर कुछ स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहती हैं कि अगर एक्यूट स्टेज में हेमरेज हुआ है तो वो हमें हाइपर डेंस नजर आएगा, ठीक है। अगर वो हमें सब एक्यूट स्टेज है, ठीक है, तो वो हमें आइसोडेंस यानी कि ब्रेन के शिशु की तरह का नजर आएगा, और अगर वो क्रॉनिक स्टेज है तो वो फिर हमें कैसा नजर आएगा, हाइपोडेंस यानी कि ब्राइट कलर का नजर आएगा। तो सो ये मैं आपसे इतनी ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं पूछूंगी, ठीक है, मैं आपको इसी तरह का इमेज दिखा के ही पूछूंगी, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा है। ये आपसे अगर कोई एमसीक्यू या अगर आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द ब्रेन हेमरेजेस इन सीटी, ठीक है। तो आप बताएंगे कि एक्यूट में हाइपरनेस नजर आता है, सब एक्यूट में ये इसमें स्टेजेस ऑफ द ब्रेन हैमरेज इन सीटी, ये एक शॉर्ट एसीक्यू आपका जो है वो बन सकता है, या इसमें से आपका एमसीक्यू जो है वो निकल सकता है, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि आपके लिए ब्रेन सीटी भी जो है वो क्वाइट ईजी हो गया होगा, सिंपल हमने क्या पढ़ा है, लूप्स पढ़ी है,
थैलेमाई पड़े हैं, वेंट्रिकल्स पड़ी हैं, उसके अलावा जो है वो पाइनियल ग्लैंड पड़ा है, उसके अलावा मैंने आपको मेस्टोइडियल सेल्स पढ़ाए हैं, ऑडिटरी कनाल है, ऑर्बिट है, सेजिटल साइनस है, स्ट्रेट साइनस है, फॉक्स एरिप्लाइज है, सल्का है, गारा है, और इसके अलावा हमने बोन्स पढ़ी हैं, ठीक है जी, जो आपके स्कल की बोन्स हैं वो पढ़ी हैं, मैंडिबल, जाइगोमेटिक मैंने आपको बताया है, ऑडेंटॉइड प्रोसेस, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बच्चों ये जो हमने डिफरेंट इंफार्क्शंस, डिफरेंट जो है वो हेमरेजेस की टाइप्स और फिर स्टेजेस ब्रेन हेमरेज की इन सीट, ठीक है, तो ये आपने सारा जो है वो उसको इसी तरह से याद रखना है। अब आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी बेटा, स्पॉटिंग में मैंने आपको वहां पे लिखा भी हुआ है, सिंपल मैंने आपको लिखा हुआ है कि इमेजेस, यानी कि स्पॉटिंग में मैं आपसे मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछूंगी, मैं आपको चूंकि ये हमारे रिवीजन क्लास चल रही है इसलिए मैं फाइनल के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। स्पॉटिंग में मैंने आपसे सिंपल पूछना है कि ये क्या है, ये इमेज आइडेंटिफाई, आपने सिर्फ मैकेनिज्म नहीं पूछना, लोकेशन नहीं पूछनी और कुछ नहीं पूछना, मैं आपसे सिंपल जो है वो आइडेंटिफिकेशन पूछूंगी कि ये किस टाइप का हेमरेज है, आप नाम बता दें, दैट्स इट, क्योंकि आपके पास हार्डली बच्चों 20-30 सेकेंड्स होंगे उस इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, क्योंकि फाइनल आपका जो है उसमें आई थिंक रिटर्न ही होगा और उसमें आपको सैरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। जो स्पॉटिंग है उसमें सिर्फ इमेज आइडेंटिफिकेशन होगी। मैम अगर आप सैरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें इमेजेस साथ दिखाएंगे आप फिर? हाँ जी बेटा, जैसे अभी मिड टर्म हुआ था आपका, ठीक है, ठीक है, मिड टर्म में मैंने एक्चुअली बाकी सारे टीचर्स ने आपको एमसीक्यू बेस्ड दिया था, मैंने आपको इसीलिए ही एमसीक्यू नहीं दिया था बेस्ड, मैं चाह रही थी कि आपको एक दफा पता चल जाए कि अगर फाइनल में, क्योंकि फाइनल में यूजली पैटर्न जो है वो यही फॉलो हो रहा होता है सिनेरियो बेस्ड, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको मिड टर्म में यही पैटर्न दिया था ताकि आपको फाइनल के लिए पता चल जाए कि आपने किस तरह से पैटर्न पे काम करना है। तो लेबलिंग सिनेरियो बेस्ड जैसे इमेज के साथ आया था मिड टर्म में, सेम उस तरह से आपने पैटर्न के ऊपर जो है वो पेपर की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी बच्चे, इसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में प्रॉब्लम है, अच्छा जी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ऐसा करें कि वेनसडे को हमारा है 5th स्लॉट, तो आप 12 PM वाला जो कौन सा स्लॉट है, 12:30 वाला स्लॉट होता है ना जो, उसमें आप जो है वो, मैं आई थिंक मेरा काउंसलिंग आवर भी है, ठीक है, तो उसमें जो है वो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी वाला तो वैसे क्वाइट आसान भी है, लेकिन अगर आपको स्टिल कोई मसला है तो आप जो है वो मुझे मेल पे भी बेटा पूछ सकती हैं, मैं आपको मेल पे भी रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन अगर और ज्यादा कोई इशू है तो फिर इंशाल्लाह जो हमारा काउंसलिंग आर वाला सेशन होगा उसमें देखेंगे हम, ठीक है जी। बच्चों अब आई थिंक आप लोगों के लिए, सबके लिए ये आसान हो जाना चाहिए, ठीक है। सीटी जो है हम अपर लोअर लिम्ब भी कर चुके हैं, सीटी का ब्रेन वाला भी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उसमें से निग्लेक्ट कर दिए हैं, बिकॉज आप लोग जो है वो मेरा खासा स्ट्रेस ज्यादा ले रहे थे और इसको समझ कम आ रही थी आपको, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया वो जरूर देख लें, इसी तरह से एक्सरे और एमआरआई का भी जो हमने इंपॉर्टेंट रिविजन क्लास में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको जरा एक दफा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए, ठीक है। बच्चों अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें, फिर हम क्लास एंड कर देते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक पॉइंट का आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट वीक से अगर आपके एसपी वाइवा हुए नेक्स्ट वीक के अंदर तो फिर शेड्यूल चेंज होगा, अगर नेक्स्ट वीक में आपके एसपी वाइवा नहीं हुए अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जब भी हुए तो फिर आपका जो है वो शेड्यूल चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम रहेगा। चलिए बच्चे, आप में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ और पढ़ें अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये आपके जितने भी जिन बच्चों ने स्पेशली मिड टर्म में मार्क्स नहीं अच्छे लिए वो तो बेटा कोशिश करें कि ये वाली जो असेसमेंट रह गई है इसमें वो 100% स्कोर करें, ठीक है, ताकि जो है वो आपके जितने भी वहां से आपके ग्रेड जो थे वो खराब हो रहे थे तो वो यहाँ से ओके हो जाए, ठीक है, बिकॉज 5 आपका स्पॉटिंग है, 5 आपका वाइवा है और 5 ही मतलब 15% आई थिंक हमारा ये है टोटल, ठीक है, तो ये 15% ही जो है वो अचीव करें। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।